नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आचार्य पंकित गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक और डायरेक्शन के बारे में, जो डायरेक्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेकर आती है अपने साथ में। मैंने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में स्पष्टता के साथ में बात करते हुए तो देखा, लेकिन साथ में कंफ्यूजन की लेयर हमेशा उनके दिमाग में बनी रहती है। तो ये डायरेक्शन का नाम है साउथ ईस्ट, अग्नेय कोण। इस डायरेक्शन को बहुत सारे लोग जानते तो हैं ही, क्योंकि अक्सर लोगों को 8 डायरेक्शंस के बारे में पता होता है, जिसमें से एक ये भी है अग्नेय कोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपके घर के साउथ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है, वैसे ही ये डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। 22.5 डिग्री का एक एंगल, एक कोण या एक विभाजन, इसको हम अग्नि कोण कहते हैं। मैंने कंफ्यूजन की बात क्यों करी, क्योंकि लोगों को अग्नि मालूम होने से बहुत ही स्पष्टता से यह पता होता है कि यहां पर एक लाल कलर का बल्ब लगा देना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को स्पष्टता से यह भी पता होता है कि यहां पर किचन हो जानी चाहिए, लेकिन लोगों को एक्यूरेटली किचन कहां होनी चाहिए, बर्नर कहां होना चाहिए, इसकी मैपिंग करनी नहीं आती, इसलिए सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए वो जो लगाया हुआ बल्ब है वो आपके शरीर में बीपी का, शुगर का कारक बनता चला जाता है और आपको प्रॉब्लम्स के साथ में जोड़ देता है। अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है कि बल्ब लगाने के बाद उनके घरों में एक्सीडेंट स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं और ऐसे बड़े भयानक हादसे हो जाते हैं, चोरी चकारी हो जाती है और फिर वो अग्नेय कोण के लाल बल्ब को दोष देते हैं। दिक्कत इस बात की है कि उनको एक तो एक्चुअल में अग्नि कोण पता नहीं है, दूसरी बात अगर पता भी है तो ये लाल बल्ब और ये जितने भी हमारे तामझाम है, ये किचन है, इसको किस तरीके से वहां पर स्टेब्लिश करना होता है। तो साउथ ईस्ट की मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो मंदिर हो और चाहे वो लाल रंग ही क्यों ना हो, हम इसकी पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या यहां पर बेडरूम हो सकता है? जी हां, यहां पर बेडरूम हो सकता है और बेडरूम बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। कुछ लोगों ने यह बोला कि यहां पर सोने वाले जो कपल्स हैं उनकी आपस में नहीं बनती। उसका एक छोटा सा रीजन है कि यहां पर सोने वाले जो कपल्स होते हैं वो आपस में फायर बहुत ज्यादा भर जाने के कारण थोड़े से तनाव में रहते हैं या अग्रेशन में रहते हैं, एक दूसरे के लिए सही वक्त नहीं दे पाते, तो उनके ना बनना लाजमी है। लेकिन इसका बहुत ही छोटा सा उपाय हो सकता है, अपने जो बेडशीट हैं उनको पीले रंग का बिछा कर रखिए, तो ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, हो जाएगी और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहां पर बेडरूम होने के फायदे बहुत हैं। यहां पर बेडरूम होने से आपकी जिंदगी में पैसा हमेशा बना रहता है, इंसान एग्रेसिव रहता है, उसका इम्यून सिस्टम भी, क्योंकि उसकी अग्नि, उसका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और वो हमेशा भागता दौड़ता रहता है, इसलिए उसकी जिंदगी खुशनुमा और अच्छी रहती है। अब बात करते हैं दूसरी, क्या यहां पर टॉयलेट हो सकती है? टॉयलेट होने से कैश फ्लो, या मैं यूं कहूं कि एक तरीके से पूरा कैश की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, पैसा डूब जाना, लोग लेकर भाग जाएं, और भी बहुत सारी पैसे की समस्या, पैसे की तंगी बनी रहना और कभी भी जिंदगी के अंदर पैसा ना होने जैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब बात करते हैं तीसरी, क्या है यहां पर किचन हो सकती है? यहां पर किचन सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, या मैं यूं कहूं वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन किचन के लिए अग्नेय कोण ही माना जाता है। पर ये जो अग्नि कोण है, यहां पर किचन के साथ में बहुत सारी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पर कलर्स क्या है, क्योंकि आप अग्नि कोण के अंदर अग्नि को स्थापित कर रहे हो तो आपके घर की जो अग्नि है वो बहुत ही हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगी। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ में आपको उसको बैलेंस करना जरूर आना चाहिए। कुछ लोग इसके साथ में वहां लाल बल्ब लगा देते हैं और कुछ लोग अग्नि कोण जानते हुए, अग्नि का कोण होते हुए, बर्नर होते हुए भी पूरी किचन के अंदर लाल रंग पुतवा देते हैं कि ये अग्नि है, और यहीं से हो जाती है समस्या शुरू। लाल रंग अच्छा है, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर अग्नि आपके घर में हो जाएगी तो वो बहुत सारी समस्याओं को लेकर आएगी, इसलिए आपको करनी होती है बार चार्ट बैलेंसिंग। अगर वहां पर कलर आपको रखने हैं वो हमेशा रखने हैं ऑफ व्हाइट, आपको जो स्लैब का कलर है वो कभी भी ब्लैक कलर का नहीं रखना। और कुछ लोगों को मैंने ये भी करते हुए देखा कि वहां पर अगर ब्लैक कलर का स्लैब है तो हरे कलर का छोटा सा पत्थर उस चूल्हे के नीचे लगा दिया, जबकि दोष इस वक्त चूल्हे का नाम होते हुए पूरे काले रंग का है, तो आपको यहां से पूरा काला रंग हटाना होगा ही होगा।
और साथ ही साथ में किचन के अंदर किसी भी तरीके से कोई ज्यादा भयानक अग्नि ना हो जाए, इसलिए उसको बैलेंस रखना होगा। अगर वो बार चार्ट में बड़ी हुई है तो आपको वहां पर पीला रंग, अगर वो बार चार्ट में कम है तो आपको हरा या भूरा रंग का इस्तेमाल करना है, फिर आप लाल भी कर सकते हो। और रही बात लाल बल्ब लगाने की, तो वही लोग अपने घर में लाल बल्ब लगा सकते हैं अग्निकोण में, जो अग्निकोण जिनका कम है, जिनके घर के अंदर बार चार्ट के अंदर या अग्निकोण उनका कटा हुआ है। एक बैलेंस्ड अग्निकोण होने पर लाल कलर लगाने से आपको कैश से रिलेटेड और शारीरिक समस्या और साथ में एक्सीडेंट और चोरी चकारी होना बहुत ही कॉमन से सिम्टम है और वो आते रहेंगे। अब बात करते हैं चौथी, पूजा रूम की। क्या यहां पर पूजा रूम हो सकता है? टेक्निकली हमारे धर्म के हिसाब से यहां पर पूजा रूम नहीं हो सकता, या किसी भी धर्म के हिसाब से यहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बनाया जा सकता, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ अगर देवी माता की पूजा आप वहां पर करते हो और किसी भगवान को वहां पर नहीं रखते हो, माशेरा वाली या कोई भी देवी माता की पूजा अगर आप करते हो तो वो फलकारी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की अर्चना वहां पर करी जाए। अगर आप मल्टीपल देवताओं की करते हो तो वो आपके लिए बहुत सारा नुकसान लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अग्नि कोण के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर आप लोगों ने ये देखा कि आपका बेडरूम हो सकता है, लेकिन थोड़े से उपाय करने की जरूरत है। आपकी किचन हो सकती है, लेकिन थोड़े से उपाय करने की जरूरत है। आपकी टॉयलेट वहां पर कभी भी नहीं हो सकती, टॉयलेट होते ही आपको वहां पर प्रॉब्लम्स आती है, इस बारे में हमने बात करी। और उसके बाद में वहां पर मंदिर भी नहीं हो सकता, वो भी हमने बात करी। अब इनके उपाय क्या है? बेडरूम का उपाय मैं आपको बता चुका हूं। किचन के लिए लाल रंग का, भूरे रंग का, हरे रंग का इस्तेमाल करें बर्नर के नीचे स्पेशली, और जो जितना भी काला या नीला कलर आपके किचन के अंदर हो रखा है आपको वो हटाना ही होगा। और उसके बाद बात आती है टॉयलेट की, तो टॉयलेट के चारों तरफ या तीन तरफ एक लाल रंग की टेप या एक कॉपर की पत्ती डाल सकते हो। बस ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ये छोटा सा जो कंफ्यूजन है वो भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, किचन से रिलेटेड या टॉयलेट से रिलेटेड। तो जो भी समस्याएं आप लोगों के जीवन में है उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।